welcome back to my new vlog. So today is a very very special day because today we are going to take Prisha out of the house for the first time after she's come back from the hospital. So I don't know how the experience will be. So usko pehli baar bahar leke jaane ke liye there are a lot of traditions that we follow. So I'll show you everything, and today we are going to take her first to the temple, and then we have to take her to somebody's house. Kuch ghar badalne ka usko riwaaj hai. So we're going to my bua's house. So yes, be with us in this journey. Let's go. तो यहाँ पे थाली सजा रहे हैं मम्मी. छोटा सा थाली, कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो वेल रहता है उसका वेल मतलब कुआ, कुआ का पूजा करना रहता है, तो उसके लिए सब तैयारी कर रहे हैं. और यहाँ पे हम लोग भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग बेबी को लेके बाहर जा रहे हैं, इसलिए. और मैं आ गई नहा धो के एकदम फ्रेश एंड फ्रेश टेढ़ा फ्रेम लेके. ये मैं सीधा नहीं डाल सकती थी क्योंकि ऐसे वीडियो लिया था उन्होंने. हाँ, सीधा हो जाएगा. वेट फॉर टू मिनट्स, नॉट इवन टू मिनट्स, टू सेकेंड्स प्रोबेबली. और ये रही मेरी ब्यूटीफुल सी मम्मी. पलट 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 मम्मी, ये एंड ये हो गया स्क्रीन सीधा. चलो अभी हम लोग बाहर जाते हैं और मस्त कुआ का क्या पूजा करते हैं. ये चलो चलो जल्दी चलो, अपने ही गार्डन से फूल तोड़ते हैं और कुआ का पूजा करेंगे. चलो जल्दी. और ये देखो डैडी दूर से खड़े हुए अपना काम भी कर रहे और पूजा भी अटेंड किया. टू इन वन. और यहाँ पे हमारा चालू हो गया पूजा, दिया जल गया है एंड नाउ इट बिगिंस. एंड फाइनली हियर आई कम मोटी मी. నీరు వైపోడు, నీరు వైపోడు. ఫుల్ 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 పోకుండు మాత్రం లాస్ట్ గట్టి పతనోడు. ఫుల్ పోకుండు, ఫుల్ పోకుండు, పోకుండు ఫుల్ పోయిపోడు. వాటర్ ఫస్ట్ డ్రాయింగ్ వాటర్. అవ్వ లేపాడు, అవ్వ లేపాడు కత్తి. तो यहाँ पे बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड कट हुआ था और जहाँ पे क्लिप लगाया था उसके साथ जो निकल गया था, पोल से सेपरेट हो गया था, उसको हम लोग गाड़ रहे जमीन के नीचे. एंड उसका भी हम लोग छोटा सा एक ऐसे पूजा करते, क्योंकि दैट केप द बेबी स्ट्रॉन्ग इन साइड माई टमी. नो दैट इज़ द बिलीफ दैट वी फॉलो. आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट द रीज़न इज, बट उसका भी एक छोटा सा ऐसे ही हम लोग पूजा करते हैं उसको गाड़ के.
ಸೂರ್ಯದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಾಲೇನು ಬಂಜಿಡು ಅವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಾಕತ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಈತ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಪೂವ ಲೈಕ್ ಪೂವಲ್ಗು ಆತ ಆದ್ಯತೆ. ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂವಲ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಐಕ್ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಜೀವಡ್ದಿತೀನಿ ಬಾಲೇನು ಅವು ಬಂಜಿಡು ಐಕ ಆತ ಆದ್ಯತೆ ಅಂಡತ್ತಾ. और अभी मैं गैस टच कर सकती हूँ, कुछ तो ऐसा बोल रहा है, कुछ तो रिवाज है. एंड मैंने, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा इतने दिन गैस टच भी करने को, तो अभी जला लिया मैंने गैस को. एंड फाइनली वी आर ऑल सेट टू गो. और हम पहुंच गए मंदिर. एंड दिस मंदिर इज़ वेरी वेरी क्लोज टू आवर होम. एंड ये बहुत 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 सालों पुराना है. व्हेन डैडी एंड ऑल वर नो छोटा छोटा दैट टाइम दे यूज़ टू कम टू दिस टेम्पल. उससे भी पहले वाला टेम्पल है ये. एंड यहाँ पे आके इतना मस्त सुकून मिला, इतना साइलेंट था. एंड द सराउंडिंग, आई विल शो यू ऑल द सराउंडिंग एज वेल, इट इज़ ब्यूटिफुल. जस्ट सी दिस, these were beautiful. मंदिर के अंदर ऐसे दिखता है. एंड जस्ट लुक एट इट, पुराना वाला मंदिर का फील ही कुछ अलग है. और ये रहे हमारे गणपति बप्पा मोरिया. और ये आ गए हम लोग मंदिर से बाहर. और बाहर का जो व्यू है, इट इज़ ब्यूटिफुल. ये तो देखने लायक है ही. देखो क्या ग्रीनरी है यहाँ पे, ब्यूटिफुल. और इतना मस्त हवा आ रहा था, हम लोग ऐसा लग रहा था कि चलो आज इधर ही बैठ जाते हैं हम लोग. और यहाँ पे पूरा सराउंडिंग हम लोग देख रहे थे. यहाँ पे जैकफ्रूट का ट्री था, मैंगो का ट्री था, सब जो हमारे इधर फेमस है वो सब ट्रीज थे वहाँ पे. एंड इतना मस्त था, एकदम मज़ा आ गया. और ये हम आ गए और एक मंदिर में, हनुमान मंदिर में, जो पहले जब डैडी लोग छोटे थे तभी उधर जिम व्यायामशाल बोलते हम लोग, व्यायामशाल है इन कन्नड़ा, तो वो था उधर. और उसको हम, उन्होंने मंदिर बनाया था बहुत सालों पहले. तो हम लोग इधर भी आए क्योंकि ये भी हमारा बहुत बहुत, हम लोग ये टेम्पल को भी बहुत मानते हैं यहाँ पे. सो इन वन ऑफ माई व्लॉग आई हैव शोन यू ऑल दिस टेम्पल फ्रॉम आउट, लेकिन अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि आई वॉज 8 months प्रेगनेंट, आई वॉज नॉट अलाउड इन साइड. और ये आ गए हम लोग अपने, मेरे बुआ के घर पे. एंड एज आई हैड टोल्ड, घर चेंज करना था इसलिए हम लोग यहाँ पे आए. एंड माई बुआ वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अस टू कम. एंड दिस इज हर गार्डन, ब्यूटिफुल गार्डन. प्लीज सब्सक्राइब पन ले. प्लीज सब्सक्राइब पन ले. प्लीज सब्सक्राइब सुपर मॉम दिशा. और फाइनली हम लोग पहुंच गए घर पे.
तो आ गए हम लोग अपने घर पे, फ्रेश हो गए, बेबी स्लीपिंग, बेबी एक्चुअली जाके आते टाइम तक शी वॉज स्लीपिंग ओनली. उसको एक्चुअली नहाने के बाद सोने का आदत है, एटलीस्ट 1 आवर प्रॉपर शी स्लीप्स एंड हम लोग उसको नहला के फटाफट लेके गए. सो या फाइनली बेबी कैन गो आउट. पता नहीं किधर लेके जाऊंगी, फिर भी एक्साइटेड हूँ कि लेके जा सकती हूँ. इतने दिन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगता है कि उसको बाहर नहीं लेके जा सकती, लेकिन अब लेके जा सकती हूँ तो आई डोंट नो वेयर आई कैन टेक हर. आई एम नॉट टेकिंग हर आउट मच. आई थिंक इट्स बेटर टू बी एट होम, कीप हर एट होम एज लॉन्ग एज आई कैन. बट ये भी डर लगता है कि अगर बाहर नहीं लेके गई तो एकदम से लेके गई तो शी विल गेट स्केर्ड और समथिंग लाइक दैट. I don't know if you all have any suggestions about that, please do guide me. I am a mother for the second time, but still hamesha aisa lagta hai, we tend to get very, you know, I don't know, cautious or be very careful about our baby, and we're scared to do anything, you know. So temple was phir bhi theek hai, because I know there will not be many people out there. तो मस्त लेके जाके लेके आ सकते हैं. तो जाके आने तक उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मस्त सो ही थी. एंड विद इन 10-15 मिनट्स नाउ शी विल वेक अप. जब मैं सोने जाऊंगी तब शी वेक्स अप. सो बहुत जल्दी मेरा पूरा ड्यूटी लगने वाला है. यू ऑल नीड टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, फॉर दोज व्लॉग्स. आई डोंट नो इफ आई हाउ ऑफन आई विल बी एबल टू अपलोड व्लॉग्स. अभी थोड़ा टाइट होने वाला है मेरा शेड्यूल. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई वांट टू कीप गोइंग, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू पीपल एंड इवन मम्मी व्हेन शी गोज फॉर एनी फंक्शंस और एनीथिंग, शी गेट्स टू यू नो लॉट ऑफ पीपल कम टू हर एंड दे टेल हर कि वी वॉच हर व्लॉग्स. एंड मेरे को इतना खुशी होता है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग. I didn't know कि you all would like it anyway. I had no idea. मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग बोल रहे हो कि अच्छा लग रहा है vlogs. That just makes my day. मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी या कोई भी आके मेरे को बोलता है कि we watch your vlogs and we like it. That is like the best thing ever. It motivates me. It keeps me going. And so baby's first outing तो हो गया है. अभी next देखते हैं किधर हम लोग जाते हैं. So the next vlog will be very interesting, and also keep watching my vlogs to see mera full duty, mera schedule kyun tight hone wala hai, why am I sad now. So yeah, stay tuned guys, hope to see you all in the next vlog, and please don't go without subscribing, please, and don't forget to click on that bell icon. Wo bell icon click karenge to हमेशा जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँगी तो आप लोगों को वो तुरंत मिल जाएगा. सो इफ़ यू आर लाइक वॉचिंग माई व्लॉग्स, क्लिक ऑन दैट बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन द बेल आइकन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस, होप टू सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन, टू डिल्स, शो सम लव.